नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज बात करेंगे इस बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर की। आज सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होने जा रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच होगा। अहमदाबाद में आज महामुकाबला होने जा रहा है और सभी की निगाहें इसी पर है, नजर इसी पर है कि कब 2 बजेंगे और ये मुकाबला शुरू होगा। बेसब्री से जो है फैंस इंतजार कर रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी जो है इंतजार कर रहे हैं। ये महामुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अहमदाबाद में आज ये महामुकाबला होगा। वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच, सभी की निगाहें इस पर है। अहमदाबाद में आज महामुकाबला होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी टक्कर आज होने जा रही है। अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा, बड़ा मैच महामुकाबला आज ये होने जा रहा है। विश्व कप में आज मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला खेला जाएगा। इस मैच पर सिर्फ 2 टीमों के फैंस की नजर नहीं है, इस मैच पर पूरे ब्रह्मांड की नजर है। आज विश्व की 2 ऐसी टीमें आमने सामने होंगी जो जब भी एक दूसरे से टकराती हैं हर एक की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैच के दौरान कई ऐसे पल आते हैं जब सांसें रुक जाती हैं। पाकिस्तान में टीवी टूटने शुरू हो जाते हैं, इंडिया में जश्न फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं, सड़क पर गाड़ियां रुक जाती हैं, पहिए थम जाते हैं, टीवी स्क्रीन से लोग चिपक जाते हैं। क्या आज एक बार फिर से यही सब कुछ होने वाला है? क्या टीम इंडिया एक बार फिर से अपने चीर प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने वाली है? दोनों के मैच के आंकड़े, खिलाड़ियों का प्रदर्शन, पिछले आंकड़े, अन्य समीकरण, ये क्या कहते हैं? हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया जीत का परचम लहराएगी और उस आंकड़ों के बदौलत आप और हम कहेंगे जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा। थर थर कांपेगी बाबर की सेना, रणबांकुरों का दिखेगा कमाल, महासंग्राम की आई बारी, कौन किस पर भारी? भारी तो हिंदुस्तान ही होगा, जीतेगा तो इंडिया ही, क्योंकि विश्व कप में भारत और पाकिस्तान जब जब टकराए हैं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप मैच के आंकड़े यही कहते हैं। दोनों के बीच वनडे और टी20 और टेस्ट इतिहास से लेकर विश्व कप के इतिहास में क्या हैं दोनों के आंकड़े जो कहते हैं कि टीम इंडिया ही जीतेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 1952 में 16 से 19 अक्टूबर के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 70 रन से मात दी थी। भारत ने पाकिस्तान को रौंद कर विजयी पताका लहराई। यही हाल वनडे में भी रहा, जब भारत और पाकिस्तान 1978 में पहली बार वनडे मैच खेले। 11 अक्टूबर को पहली बार दोनों टीम्स वनडे में भिड़ी और इस मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 रन से हराकर जीत हासिल की। ये तो बात टेस्ट और वनडे की हो गई, अब बात टी20 की। दोनों टीम्स 14 सितंबर 2007 में पहली बार टी20 का मुकाबला खेलने के लिए उतरी थी। उस समय भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और टी20 के पहले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बॉल आउट से हरा दिया। ये मैच टाई था, जिसके बाद दोनों के बीच बॉल आउट का मुकाबला शुरू हुआ और भारत ने इस मैच में जीत हासिल की। ये महज पहले मीटिंग के आंकड़े बताते हैं जो कह रहे हैं कि बाबर की सेना सावधान हो जाए, हमने पहले मुकाबले में भी मात दी थी और अब भी मात देंगे। अब दोनों के बीच वर्ल्ड कप में हुए मुकाबलों पर नजर डालते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के 7 बार आमने सामने होने के रिकॉर्ड हैं, जिसमें भारत को सभी 7 मैचेस में जीत हासिल हुई है, तो पाकिस्तान आज भी जीत के लिए तरस रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के नसीब में वर्ल्ड कप में जीतना ही नहीं लिखा। विश्व कप के मुकाबले में जब जब दोनों टीम्स टकराई हैं पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। यही हाल टी20 वर्ल्ड कप का भी रहा है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले, भारत ने 5 और पाकिस्तान ने 1 जीता। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी इतना ही कहेगा कि जीतेगा तो इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और संभावित खिलाड़ी जो आज खेल सकते हैं भारत की तरफ से वो आपको दिखाएंगे। तो पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब खिलाड़ी आज मैदान में होंगे। रोहित शर्मा जो कि कप्तान हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह। तो पॉसिबिलिटीज हैं, आज ये जो खिलाड़ी हैं ये मैदान में रहेंगे। रोहित शर्मा जो कि कप्तान हैं, शुभमन गिल हैं, तो वहीं विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये वो बड़े नाम हैं जो आज हमें दिखाई दे सकते हैं सभी आज के इस महामुकाबले में। आज भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला, महामुकाबला होने जा रहा है और उस महामुकाबले में ये बड़े नाम, बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, ये सभी शामिल हो सकते हैं। रोहित शर्मा जो कि कप्तान हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, ये बड़े नाम जो आज के इस महामुकाबले में मैदान में उतरेंगे। तो आज वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा महामुकाबला होने जा रहा है और सभी की निगाहें जो इस पर हैं टिकी हुई हैं। तो महामुकाबला आज होने जा रहा है, आखिर फैंस में कितना उत्साह है और किस तरह आज की सड़कें दिखाई देने वाली है, क्योंकि जब जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है सड़कें जो है वीरान नजर आई हैं और जो है स्टेडियम हाउसफुल नजर आए हैं। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु जोशी इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव, वहीं शाजापुर से सुनील जुड़ गए हैं, मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ दुर्ग से वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले इंदौर का ही रुख कर लेती हूं, हिमांशु कितना उत्साह आज फैंस में है आज के मैच को लेकर के, महामुकाबले को लेकर के, क्योंकि जब जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है हमने देखा है सड़कें वीरान हो जाती हैं, पूरी तरह से गाड़ियां नजर नहीं आती, लोग नजर नहीं आते और स्टेडियम हाउसफुल हो जाते हैं और लोग अपने घर पर दुबक के बैठे रहते हैं सिर्फ टकटकी लगाए। इंदौर में उस वक्त उत्सव का माहौल है, मैच शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। हम इस वक्त रेसकोर्स रोड पर मौजूद हैं, यहां हम देखेंगे कि यहां पर प्रोजेक्टर लगाया गया है मैच देखने के लिए और यहां पर आप देख रहे हैं क्रिकेट की वेशभूषा में लोग हैं, तिरंगे झंडे लहराना शुरू हो गए हैं और जीत को लेकर, भारत की जीत को लेकर ये लोग पहले से ही आश्वस्त हैं कि भारत जो है हमेशा की तरह पाकिस्तान को हराएगा और इनका उत्साह देखने को मिलेगा। हर उम्र के यहां पर लोग मौजूद हैं, इन लोगों का उत्साह जो है, हम बात करेंगे किस तरीके का मैच होने वाला है। बस बहुत जोरदार मैच होने वाला है, सब मोटेरा स्टेडियम में जैसे 1,30,000 पब्लिक है, इंदौर में भी सब यहाँ की पूरी जनता हमारे यहाँ, जैसे हमारे विद्यापति रेस कोर्स पे हम लोग कम से कम 100 लोग से 500 लोग हम मैच देखने को तैयार है। अभी हमारा शुभम गिल, रोहित शर्मा, जो शुभम गिल की कमी थी वो भी हो चुकी है और रोहित शर्मा का इस बार 131 की जगह 150 बनेगा। चक दे इंडिया, इस बार जो है किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, क्या उम्मीदें हैं आप? मैं होलकर स्टेडियम इंदौर के सामने से बोल रहा हूँ, मेरे इधर अहमदाबाद में जो मैच होने वाला है उससे काफ़ी रोमांच है इंदौर में, क्योंकि हम लोगों को देखने को मैच नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग काफ़ी रोमांचित हैं, हम प्रोजेक्टर के थ्रू बड़ी स्क्रीन लगा के रोमांच देख रहे हैं और इंडिया 100% ही जीतेगी क्योंकि इंडिया अच्छा प्रोग्राम करने वाली है। क्या लगता है आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कौन से खिलाड़ी से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद?
सर, इंडिया टीम बहुत परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, और हमारे लिए पाकिस्तान को हर बार हराना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, हमारे लिए एक छोटी सी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ है भी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की जो टीम है अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है, अभी हाल में हम एशिया कप जीत के लेके आए हैं और श्रीलंका को हमने 49 पे ऑल आउट कर दिया था, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती कि इंडिया आसानी से जीतेगी। लेकिन ये हमारे लिए जश्न होता है, इंडिया जब भी किसी काम को करती है और जीतती है तो हमें मजा आता है। इस बार जश्न को लेके क्या तैयारी है, जैसे आप लोग जीत को लेके आश्वस्त हैं, आपने यहाँ पे स्क्रीन लगाई है, क्या लगता है? जश्न मनाएंगे शाम को, बहुत अच्छा जश्न मनाएंगे। रायवाड़ा से भी रायवाड़ा वाला माहौल यहाँ रहेगा, रेस कोर्स पे उसकी पूरी तैयारी है। शाम को उत्साह के साथ में पूरा। आप लोग पूर्व से ही आश्वस्त है कि इस बार भारत जो है फिर से जो है जीत का परचम लहराएगा? बिल्कुल, भारत जीत का परचम लहराएगा, हम बहुत उत्साह हैं। भारत पाकिस्तान का जो महा मुकाबला होने जा रहा है आज, और इसमें भारत की प्रचंड जीत होगी। भारत माता की। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके का उत्साह है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है, कुर्सियां लगाई गई हैं, पहले से यहाँ अरेंजमेंट की तैयारी की गई है कि सेलिब्रेशन यहाँ पर होगा। मतलब इंदौर के लोग जो है हर फेस्टिवल को, हर चीज को एक सेलिब्रेशन का जो माहौल होता है हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पहले से ही सारी तैयारियां की जा चुकी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कुर्सियां आ गई हैं, प्रोजेक्टर चालू होने वाला है। लोग लौटूंगी आपके पास, शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। आखिर भोपाल में कितना उत्साह है क्रिकेट फैंस में? शैलेंद्र, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? क्या माने कि आज भोपाल वासी, दिवाली में समय है पर आज ही दीपावली मनाने की तैयारी में है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वो वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में भी वो सबसे रोमांचक मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। तो अब तक का जो रिकॉर्ड है भारत का, उसके अनुसार जो फैंस है काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ हमारे साथ युवा क्रिकेटर्स उनसे जानेंगे। ये बताइए कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, किस तरीके से आप इस मैच को देख रहे हैं? तो हम यहीं पे रहेंगे, तीन चार बजे यहाँ से फ्री होंगे, फिर घर जाकर देखेंगे। नहीं, लेकिन क्या लगता है किस तरह की उम्मीद है भारतीय टीम से? भारतीय टीम से उम्मीद है, अपना विराट कोहली भाई है, रोहित भाई है, अपने हैं बहुत अच्छे बैटिंग भेजे अपने यहाँ। तो शुभमन गिल जो नहीं थे वो आज वापस आ गए हैं, तो क्या लगता है कितनी मजबूत टीम हुई है? ऑफकोर्स है, अहमदाबाद की पिच है तो अच्छी, वहाँ पर रन बन सकते हैं, वहाँ पर तो उम्मीद है कि भारत अच्छे परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो करीबन 300 रन आए, आई गेस आने चाहिए, 300 आधा रन आना चाहिए। शुभमन गिल मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा करीबन। रोहित शर्मा जो है वो एक बार पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पिछले मैच में देखा 100 किया उन्होंने, क्या उम्मीद है उनसे? इस बार भी वही है 100 की उम्मीद, तीन चार लोग लगातार 100 मार देंगे और क्या। जी देखिए, कह रहे हैं 300 तीन चार लोग जो है सैकड़ा मारेंगे। आप बताइए कि किस तरह की उम्मीद है आज भारत से आपको? जीतने की उम्मीद है भारत से, और भारत जीतेगा ही, 8वीं बार जीत अपने नाम। भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है बड़ा एक रोमांच आप लोगों में होता है, आप तो खुद क्रिकेट से जुड़े हुए, किस तरह का रोमांच आप देख पा रहे हैं? रोमांच बड़ा होता है, राइवलरी एक कही जाती है, बरसों से चली आ रही है, मजा आता है देखने में। अपने विराट भाई छाएंगे आज। अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग काफी तेज मानी जाती है, क्या लगता है कि कुछ परेशानी बन सकते हैं कि भारत के बल्लेबाज मजबूत? आगे कोई नहीं, विराट भाई के आगे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, खेलेंगे। रोहित शर्मा पे थोड़े साइन साफ्रीदी भारी पड़ सकते हैं, बट आज रोहित भी उनको खत्म करेंगे, आज रोहित भी उनपे देंगे फ्लिक, और हर्षन अली भी कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि रोहित भाई अगर चल गए तो अकेले इंडिया के बैट्समैन सारे फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इस बार जीतेगी इंडिया और अच्छे रन रेट से जीतेगी। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल और भी कुछ लोग हमारे साथ, आप बताइए क्या उम्मीदें हैं आज भारत से आपको? इंडिया ही जीतेगी, गिल भी आ गया अब तो गिल ओपनर। अब सब लोग जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के जश्न की तैयारी आप लोग? बम और फटाके के साथ हम जश्न का वो लाभ उठाएंगे। और सारे प्लेयर्स हैं, आप बताइए कि किस तरह की तैयारी आप लोगों की है आज के मैच को लेकर? लौटूंगी आपके पास, दुर्ग का भी रुक कर लेते हैं। मिथिलेश, बहुत ज्यादा उत्साह फैंस में नजर आ रहा है, क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं वहां पर फैंस की? जिस तरह से 7 बार जीत हासिल इस वर्ल्ड कप में भारत ने की है, 8वीं बार भी भारत ही आने वाला है, आश्वस्त है वहां के लोग, क्या सोच रहे हैं, कितना उत्साह है और क्या सेलिब्रेशन की तैयारी अभी से ही?
जी बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मैच है और भारत और पाकिस्तान का जब जब मैच होता है फैंस में काफी उत्साह नजर आता है। मेरे पास यूथ खड़े हुए हैं यहाँ पर, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है पूरा यूथ है जो यहाँ से रह के ही इंडिया को मोटिवेट कर रहे हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि आज जो है जो भारत का परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहेगा और ये पूरी तरह से तैयार है क्योंकि आज सुबह से ये पता चल गया था कि आज मैच होने वाला है। इस वजह से जो है लोग पूरी तरह से तैयार है, खाना पीना खा के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है आज मैच शुरू होने का। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, देखिए आज इंडिया और भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट है। ये बहुत एक्साइटमेंट है, डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी मैच है। इंडिया पाकिस्तान का मैच एक ऐसा मैच है जो हर कंट्री देखना चाहती है। हैरी श्रॉफ विराट कोहली का जो वॉर है वो बेस्ट है, बेस्ट विशेज है इंडिया को। देखिए क्या लगता है कि इंडिया और भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, किस तरह से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हालांकि तो इंडिया जीतते आई है, अभी आज कैसे देख रहे हैं? आज भी डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगी, हम सबकी बेस्ट विशेष है उसको। टीम क्या लग रहा है आज? मेरे को भी आज लग रहा है रोहित शर्मा डबल सेंचुरी मारेगा और विराट कोहली भी अच्छा खेलेगा आज। भारत की बैटिंग को लेकर क्या कहेंगे जिस तरह की बैटिंग अभी चल रही है? और मेरे आज लगता है शुभम गिल भी आज वापसी कर सकता है, तो लगता है आज अच्छा रन इसको अप्रोक्स 300 350 अप्रोक्स बन जाएगी रन आज। जी।